아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까. हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो देखिए, अभी शाम के 5 बज रहे हैं और मैं शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ और आज मैं बनाने वाली हूँ कुछ स्पेशल रेसिपी। तो आप हमारे ब्लॉग में बने रहिए। तो देखिए, आज मैं बनाऊँगी चिली पनीर। तो उसके लिए मैंने प्याज कट कर रही थी और शिमला मिर्च लिया है। तो इसमें चिली पनीर में क्या है, शिमला मिर्च और प्याज की ज़रूरत पड़ती है, ये दो चीज़ें मेन हैं। और उसके बाद में है पनीर तीसरी चीज़। तो उसकी मैं तैयारी कर रही थी, बहुत दिनों से मैं सोच रही थी चिली पनीर बनाने की। और पनीर क्या हमारा रखा है 3-4 दिन हो गए फ्रिज में और इधर गैस पे हो रहा था घी गरम। तो घी क्या मैंने कल पिघला के रख दिया था, तो ये घी गरम हो रहा था और देखिए घी में इतना पानी निकला था, मैंने पिघला के रख दिया था फ्रिज में, तो ये पानी पानी नीचे हो गया था और घी हमारा जो है ऊपर रह जाता है। तो इससे क्या गैस की भी बचत होती है, टाइम की, कितना आधे भगोना पानी निकला है तो ये समझो कम से कम आधा घंटा हमारा खराब जाता है इसमें, इसको जलाने में। तो ये प्रोसेस बहुत अच्छी है, एक दिन पहले पिघला के फ्रिज में रख दो, उसके बाद में ऊपर का घी हटा के और नीचे का पानी ऐसे छोड़ दो, वो हम गाय को डाल देते हैं, मट्ठा जो नीचे से रह जाता है। तो बच्चे देखिए अभी दोनों सो रहे थे, क्योंकि अभी लेट सोए थे ना दोनों बच्चे, तो अभी सो रहे हैं। और मैं इधर कट करने लग गई थी शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च को देखिए हमें बड़ा बड़ा कट करना है, चौकोर उसमें चौकोर पीस बनाना है इसके, हमें बारीक कट नहीं करना है शिमला मिर्च को। चिली पनीर में क्या है, बड़ा बड़ा हम इसको कट करते हैं और इसी तरह से हमको प्याज भी बड़ा बड़ा कट करना है। तो 4 प्याज लिए हैं मैंने और 2 शिमला मिर्च थी और 1 पैकेट है हमारा पनीर का। तो देखिए इसी तरह से हम प्याज को कट कर लेंगे, हमने बड़े बड़े पीस कर लिए हैं और ये सारे पीसेस अलग कर लेंगे जो प्याज के रहते हैं, इस पे परत जो रहती है। तो इस तरह से मैंने सारे पीस अलग कर लिए हैं, शिमला मिर्च भी हमारी कट चुकी है। तो इधर मैं कर लेती हूँ पनीर को कट। तो पैकेट वाला पनीर है अमूल वाला, तो इसको पहले मैं धुल लेती हूँ, क्योंकि यह पैकिंग वाला होता है, थोड़ा धुलना चाहिए जो भी चीज़ होती है बाहर की। तो इसको मैंने धुल के साफ़ कर लिया था पानी से और इसके मैं पीस कट कर रही थी पनीर को। तो बड़े बड़े पीस कट किए मैंने, बहुत ज़्यादा छोटे पीस कट नहीं किए हैं। और इधर देखिए इस तरह से मैंने दोनों सब्जी कट कर लिए हैं और बाबू देखिए हमारे सो के उठ गए हैं, जैसी आवाज़ मुझे किचन में जाती है वैसी तुरंत भाग के आई, क्यों ऐसा डर लगता है कि बाबू कहीं हमारे किनारे पे ना आ जाए, आवाज़ के साथ भागना पड़ता है इनके लिए देखने के लिए। और ये देखिए पनीर के टुकड़े जो मैंने लिए हैं, तो इस पे हम ऐड करेंगे हल्का सा नमक, ऊपर से छिड़क देंगे। और देखिए थोड़ा सा नमक डालना है हमें और फिर थोड़ी सी हमें मिर्ची ऐड करनी है, लाल मिर्ची जो होती है, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है, बस हल्की हल्की मिर्ची इसमें सब पे डालनी है थोड़ी थोड़ी। और हमें 2 चम्मच कॉर्न फ्लोर भी ऐड करना है इसी पे। तो देखिए इस तरह से हम हल्का 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 इनके ऊपर से छिड़क देंगे और तीनों चीज़ें डाल के हम ये पीस अच्छे से मिला लेंगे इस तरह से। देखिए हम सारे पीस पे ये कॉर्न फ्लोर जो है हमारा अच्छे से चिपक जाए। तो देखिए इस तरह से हम सारे पीस अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिला देंगे। तो इससे क्या है हमारा जो पनीर का टुकड़ा रहेगा वो एकदम से कड़क रहेगा। और बाबू देखिए हमारे ऊपर पकड़ के चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इधर देखिए हमारा घी भी बन चुका है, तो मैं उतार के इसको साइड में कर देती हूँ क्योंकि, और अंदर को रखना है क्योंकि हमारे बाबू हाथ से पे कुछ ना कुछ हमेशा खींचते रहते हैं स्लिप पे जो भी सामान हो, तो हमें बहुत डर डर के काम करना पड़ता है। क्योंकि देखिए सारी ड्रॉर कहीं कुछ भी खोल रहे हैं, कहीं कुछ खोल रहे हैं। आज सुबह तो इन्होंने क्या किया, मसालेदार में से हल्दी वो निकाल के सारा फैला दिया, मम्मा का काम बढ़ा दिया। तो देखिए इस मैंने एक कढ़ाई लिया था, नॉन स्टील वाला कढ़ाई है, और इस तरह से मैंने सारी पीस इसमें रख दिए हैं। तो हमें गैस का फ्लेम हमने लो रखा है, तो इस तरह से हमने सारे पीस को भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। और फिर उसके चम्मच की सहायता से हमने ये पलट लिए हैं सारे पीस, तो ये हल्का हल्का इनको तलना है, बहुत ज़्यादा नहीं तलना है, इनका कलर जो है ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए। और इधर देखिए इनके पापा आए नहीं हैं और ये बाबू मुझे इतना परेशान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कहीं कहीं खड़े हो जाते हैं, मुझे खड़े होने के लिए जगह भी नहीं दे रहे हैं।
तो देखिए हमारी जो पनीर के टुकड़े थे अच्छे से भुन गए हैं और मैंने प्लेट में इनको निकाल लिया है। तो चलिए अब बनाना चालू करते हैं। तो मेरा बॉटल में तेल खत्म हो रखा था, तो ये बड़े जो डिब्बे में तेल है उसमें से कर लेती हूँ। और मैं बना रही थी सरसों के तेल में, क्योंकि हम खाने पीने में तो सरसों का तेल ही यूज़ करते हैं और ज़्यादा कोई सा तेल यूज़ नहीं करते हैं। इतना परेशान कर रहे हैं हमारे बाबू, इधर से उधर भाग रहे हैं। और देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाया है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, हमें बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं बनाना है ये नाश्ता। इसमें क्या है, कम तेल होता है तब भी चलेगा। तो देखिए मैं तेल अच्छे से गर्म हो चुका था, तो मैंने इसमें प्याज को ऐड कर दिया है। और प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है, प्याज के बाद फिर हम डाल देंगे। 2-4 मिनट मैंने भुना था, उसके बाद में मैंने डाल दिया शिमला मिर्च। फिर शिमला मिर्च को भी हम अच्छे से भून लेंगे। और इधर देखिए इनके पापा आ गए थे, तो बाबू इतनी जैसी गेट खुला वैसी तेजी से भाग गए, और आरू अभी सो रही है और नहीं तो दोनों भागते हैं। और इनके ऑफिस से फोन आ रहा था, तो ये मुझे देख के चले गए, लेकिन बाबू पापा के लिए रो रहे हैं। और मैं इनको लेके बना रही थी चिली पनीर, क्योंकि अभी टाइम भी बहुत हो गया है। ये चीजें जो है दोपहर में अच्छी लगती हैं, पर क्या है ये टाइम से आ नहीं पाते हैं, तो हमारा बहुत दिनों से बन नहीं पाया था चिली पनीर। तो मैंने बाबू को बिठा दिया था और मैं इधर बना रही थी, तो ये मैंने दोनों चीज़ें अच्छे से भून ली हैं। बहुत ज़्यादा देर तक इनको फ्राई नहीं करना है। और ये विनीगर हमारे पास काफ़ी दिनों का रखा है, तो मैं इसमें देख रही थी एक्सपायरी डेट तो नहीं है। और सोया सॉस तो हमने अभी मंगाया था, अभी कुछ दिन पहले मैं एक दिन बना रही थी, तो ये मार्केट में नहीं मिला था, तो ये लेके आए थे। देखिए इस तरह से मैंने भून लिया। इसमें हम डालेंगे मसाले, मसाले हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और मिर्ची पाउडर। मिर्ची तो आप जितना तीखा खाते हो, लेकिन ये स्नैक्स थोड़ा तीखे ही अच्छे लगते हैं। और हमने डाला था सोया सॉस और विनीगर 1-1 चम्मच। और मैंने इसमें 2 चम्मच डाला है घोल के कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर से जो क्या है हमारा जो ग्रेवी होती है वो गाढ़ी हो जाती है, तो इसीलिए मैंने 2 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर डाला था। अरारोट घोल के काली मिर्च कूट के मैंने डाल दिए हैं। इससे क्या है हमारा जो स्वाद होता है बहुत अच्छा आता है टेस्ट। और इसमें थोड़ा सा मैंने ऐड किया है केचप सॉस। तो हमारा जो चिली पनीर है वो बन के हो गया है रेडी। और ऊपर से डाल देते हैं इसमें धनिया पत्ता। धनिया पत्ता से थोड़ा स्वाद बढ़ता है, थोड़ा देखने में भी अच्छा लगता है। और चिली पनीर हो गया है रेडी, तो चलिए सर्व कर लेते हैं। 2 प्लेटें लगाऊंगी, ऊपर से मैंने धनिया पत्ता डाल दिया है। एक पैकेट में काफी पनीर निकलता है, तो ये है 2 प्लेट आराम से हो जाती है। होटल में तो क्या थोड़ा सा मिलता है, 2-3 टुकड़े होते हैं पनीर के, उसमें तो अगर खाओ तो देखिए वाओ यम्मी यम्मी चिली पनीर हमारा बन के हो गया है तैयार। तो चलिए आप लोग भी खा लीजिए। और इधर आरू सो के उठी है, तो कह रही है मम्मा मुझे गोदी ले लो। मैंने कहा बेटा मम्मा ने क्या बनाया है आपके लिए, चिली पनीर बनाया है, आप खा लो। और बाबू तो अपने पास पापा के पास ही बैठते हैं, और आरू अभी सो के उठी थी तो इनको अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा बेटा खा के देखो बहुत तीखा नहीं बनाया है मम्मा ने, तो कह रही है नहीं मुझे नहीं खाना। आरू इतना लेट उठी है, शाम को कितनी लेट सोएगी, ये हम लोग सो जाते हैं तब ये जागती रहती है, इसको नींद नहीं आती है, परेशान हो जाती है। और वहाँ बज रहे हैं 6 बज गए हैं, और 6 बजे आरू आरू उठी है। और देखिए बाबू उस आरू के कंधे पे सिर रख रहा था, इतनी तेजी से गिरे, बहुत तेजी से आरू कंधे पे सिर रख रहे थे, तो इतनी तेजी से गिरे, चोट लगी उनके सिर में। और आरू देखिए मास्क पहन के सबको डरा रही थी, पापा को मम्मी को कह रही है मैं भूत बन गई। तो चलिए हमने चिली पनीर खा लिया था, उसके बाद में हमारी किचन की हालत साफ देखिए, करूंगी, उसके बाद में खाने की तैयारी कर लेते हैं। तो किचन मैंने साफ कर लिया था, और इधर मैं शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो शाम को खाने में मैं बनाऊंगी शिमला मिर्च, 2 शिमला मिर्च बच गई थी तो मैं वही बनाऊंगी। तो
तो मैंने उसमें एक आलू कट कर दिया है और दो शिमला मिर्च थे और प्याज को कट कर लिया है। ये कुछ भी बनाओ तो किचन कितना फैल जाता है, तो मैंने पहले जल्दी जल्दी किचन साफ किया, उसके बाद में खाना बनाना स्टार्ट किया। और इधर सब्जी भी मेरी बनने लगी थी और मैं इधर लगा रही थी आटा, और आटा मेरा लग चुका है। तो इसके बाद में थोड़ी बर्तन पड़े थे सिंक में, तो मुझे वो साफ करना, क्योंकि तो अभी जो चिली पनीर खाया था तो मैंने उसी में रख बर्तन इकट्ठे करके को कट कर लिया था। सब्जी बनेगी, आटा मल के रख दिया है, ये थोड़ी देर आटा मला हुआ रखा रहता है तो थोड़ा अच्छा रहता है, रोटियां अच्छी बनती हैं। तो जब तक मैं कर लेती हूँ बर्तन साफ, तो इधर मेरी बर्तन साफ हो गए हैं और सब्जी भी बन के रह हो गई है रेडी। और मैं इसमें डाल देती हूँ धनिया पत्ता थोड़ी सी, तो मैंने इसी का जिसमें मैंने चिली पनीर बनाया था इसी में मैंने बना ली थी। पर क्या मुझे इस कढ़ाई की सब्जी पसंद नहीं, मतलब स्वाद नहीं लगती, पर मैंने सोचा चलो अब डबल डबल बर्तन करें तो चलो इसी कढ़ाई में बना लेते हैं। इसमें क्या कलर थोड़ा अच्छा नहीं आता है, मुझे लोहे की कढ़ाई की सब्जी अच्छी लगती है। तो चलिए अब रोटियां बना लेते हैं, उसके बाद में तो मुझे कितने सारे काम करने हैं, क्योंकि अभी घी भी रखा है, ऐसे घी को भी करना है, मुझे अभी ठंडा हो रहा है तो मैं सोच रही हूँ उसको बाद में करूंगी डब्बे में। तो इधर गर्मा गर्म रोटियां मेरी तैयार हो रही हैं, एकदम फूली फूली रोटियां बन चुकी हैं। और चलिए अब खा लेते हैं खाना, उसके बाद में किचन बाद में साफ करूंगी, पहले खाना खा लेते हैं। ये गरम गरम खाना होता है तो खाना थोड़ा ज्यादा खाया जाता है, और खाना खाने के बाद में मैंने किचन साफ कर दिया था, बर्तन साफ कर दिए हैं, और इधर बच्चों की दोनों निपल निपल मैंने भर दिए हैं, आरू की और बाबू की। आरू ने कोई खाना नहीं खाया था आज पता नहीं क्यों, तो आरू को अभी भूख लग गई थी, कह रही मुझे दूध दो, तो दोनों बच्चों की मैंने निपल भर के रख दिए हैं। और इधर मैं कर रही थी पानी को गर्म, क्या है अभी मटके का पानी होता है ठंडा, तो हम बॉटल में गर्म कर गुनगुना करके रख लेते हैं, तो ये हम सब लोग दही पी लेते हैं। पर हम लोगों को वैसे भी सर्दी चल रही है, सब चारों लोगों को बहुत बिकट वाली सर्दी है, अब ये थोड़ा आराम हुआ है, लेकिन अब तभी तो हम गुनगुना पानी पी रहे हैं, बॉटल में रख लेते हैं कई बार उसमें गर्म करके, तो यही पानी पीते रहते हैं। पर क्या है आरू को तो नहीं पीना, आरू तो मांगती है मटके का, मुझे मटके का दो, मुझे ये नहीं पीना है। और मैंने घी को छान लिया है, तो इसमें जो मलाई रह जाती है नीचे काली काली जो मलाई होती है, तो इसमें मैंने क्या किया था, 1 गिलास पानी डाल के इसको अच्छे से गर्म किया, फिर छन्नी से छान लिया। तो देखिए 1 गिलास पानी है, और ये हम इसको हम रख देंगे फ्रिज में, तो इससे क्या है जो हमारा घी होगा ऊपर जम जाएगा और पानी को हम निकाल के फेंक देंगे। घी हम ये है चावल में डाल सकते हैं या दाल में डाल सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं। और हम ऐसी मलाई फेंक देते हैं तो हमारा इतना सारा घी चला जाता है। तो चलिए इस ये प्रोसेस कैसी लगी, और देखिए अभी टाइम हो गया है 9:22 हो चुके हैं, और मैं ये छाछ डालने जा रही थी नीचे गाय के लिए। तो चलिए ठीक है, वीडियो करते हैं एंड, ओके बाय बाय, गुड नाइट।